प्यार करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है प्यार का इजहार करना और उस प्यार को हासिल करना। और दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है एक तरफा प्यार। कोई भी तुम्हें अच्छा लग सकता है और तुम्हें उससे प्यार भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करे ऐसा नहीं होता, और यही एक तरफा प्यार या वन साइडेड लव बन जाता है। किसी को दिल से चाहते हो तो उससे उम्मीद करना कि वो भी तुम्हें प्यार करे ये नेचुरल है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी तुमसे वैसा ही प्यार करे, क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो। सो तुम जितने ज्यादा प्यार की उम्मीद उससे करोगे तुम्हें तकलीफ भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। वन साइडेड लव का कोई फ्यूचर नहीं होता। जब प्यार एक तरफा हो तो लोग दो चीज करते हैं, एक तो जबरदस्ती अपने प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, और यही चीज करने के लिए ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि जिसे नहीं करना चाहिए था। मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, दोनों की लाइफ खराब कर बैठते हैं। और दूसरा वो इंतजार करते हैं कि उससे प्यार का एहसास होगा और वो वापस आएगी, और इसी उम्मीद में वो खुद को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और वो प्यार करते रहते हैं। यार ये दोनों चीजें गलत है। जो लोग जबरदस्ती प्यार को पाने की कोशिश करते हैं उनको प्यार तो नहीं मिलता, इसके उल्टा वो बदनाम हो जाते हैं या जेल में होते हैं। और जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्यों यार, क्या ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा? कभी नहीं। क्या तुम खुश रह पाओगे? कभी नहीं। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ऐसे हालत में देखकर खुश होंगे? कभी नहीं। यार एक्चुअली तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें ऐसा टारगेट देगा जिसके बारे में तुम सोच भी ना सको और तुम्हारे दिमाग को आराम मिल सके। इसीलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसे किसी बड़े सपने या चमत्कार में उलझा देता है जिसे सोचकर तुम सपने लेते हो और तुम्हारा दिमाग आराम करता है। और एक तरह के लोग होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, वो बस अपने फेलियर को छुपाने के लिए प्यार का बहाना बनाते हैं। यार तुम जिससे प्यार करते हो वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसे भी पसंद नापसंद करने का हक है। हो सकता है तुम जिसे पसंद करते हो वो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद ना करता हो, तो किसी पर जबरदस्ती करने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है तो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? उसे बार बार क्यों बोल रहे हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो? यह बोलने से कुछ नहीं होता, दम है तो अपने प्यार को साबित करके दिखाओ। किसी और से प्यार करो और बहुत प्यार करो। तुम्हारे प्यार को देखकर उसे एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। और तुम्हें प्यार करना आता है, जरूरत उसकी बताओ, खुद की नहीं। आज तुम शायद उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी तुम कर चुके होगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हें एहसास होगा कि तुमने बस सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि वन साइडेड लव हुआ तो क्या करोगे? यार तुम जिससे प्यार करते हो उसे दिल खोलकर अपने दिल की बात बताओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताओ। बड़े प्यार से उसे प्रपोज करो, उसे समझा कर बताओ अपने फीलिंग्स को। अगर वो हाँ करती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ना करे तो बार बार उसे बोलकर उसे तंग मत करो। बिल्कुल ऐसे ही, जो तुम्हें पसंद ही नहीं करता उसे बार बार तंग करके क्या मतलब है? यार तुम जिसे एक तरफा प्यार करते हो वो तो किसी पसंद के इंसान के साथ खुश रहेगी। जहाँ तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं है, जहाँ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ बेइज्जत क्यों होते हो? इससे तो तुम अपने साथ साथ उसके लाइफ को भी खराब कर दोगे। इससे उसके दिल में प्यार तो नहीं बल्कि नफरत जरूर पैदा हो जाएगा। यार तुम किसी से प्यार करते हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने प्यार को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक टाइम लिमिट रखो। सिर्फ प्यार ही नहीं, हर मामले में एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग फेल होने पर बार बार कोशिश करते रहते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बोलते हैं ट्राई करते रहो ना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। यार बहुत बार फेल हो रहे हो तो टारगेट बदल लेने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम अच्छे से कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कोई सवाल है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।